जय गुरुदेव।
तो प्रेमियों आप ये समझो कि कहा गया, नाम की डोर अगर पकड़ में आ जाए तो भवसागर से पार हो सकते हो। अब नाम की डोर किसको कहते हैं, जो नए लोग आए हो उसको भी, उनको भी बता दें। नाम से ही ये सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब नाम से ही बने हैं, और नाम ही सब कुछ है। और नाम कोई मुंह से लेने वाला नाम नहीं है, नाम एक आवाज है। वो आवाज उतरी है, कहाँ से उतरी है, जहाँ इसका केंद्र है, जहाँ इसकी धुरी है। धुरी किसको कहते हैं, जैसे पंखा जहाँ से लटका हुआ रहता है, जहाँ से चलता है वो उसकी धुरी होती है। ऐसे ही जहाँ से यह शब्द उतरा है, जहाँ से यह शब्द फैला है, वो धुरी कहलाती है। तो वहाँ से धुरी से यह आवाज उतरी है नीचे, जिसको अनामी धाम, जिसको अनामी धाम कहा गया। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये लोक हैं, सतलोक है। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये लोक हैं। ये लोक अन्य समझो दयाल लोक हैं, वहाँ काल का कोई अंश नहीं है। बाकी इधर के जो नीचे के हैं, इनमें काल अन्य अंश है। तो काल के जो अंश वाले आते हैं, या जो भी आते हैं इस धरती पर काल के देश में, मनुष्य शरीर में, वो भी नाम को बताते हैं, यह भगवान का नाम है। उससे उनको फायदा हुआ, पहले वो उन्होंने जगाया, उसको देखा, उससे फायदा हुआ, और उस नाम से उसको जोड़ते हैं। जहाँ से वो आए हुए होते हैं, जहाँ से भेजे गए जाते हैं, जैसे राम भगवान थे, राम भगवान समझो कहाँ से आए थे, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगत बश कौशल्या के गोद, ये ईश्वर लोक से आए थे। तो ईश्वर लोक से जो आवाज आई, आवाज के साथ राम नाम जुड़ा था उस समय पर, तो राम नाम में शक्ति थी, लेकिन लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति जो थी राम नाम में, वो पार करने वाली शक्ति, वो धुर राम पहुंचाने वाली शक्ति नहीं थी। कृष्ण नाम की शक्ति, वो भी एक शक्ति थी, ब्रह्म स्थान से आए थे, तो विधाम से समझ लो के आए थे। वो समझो आप प्रेमियों की उसमें भी उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति भरी थी। आप समझो प्रेमियों, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम में शक्ति भरी, लेकिन गुरु नाम की शक्ति ये जोरदार शक्ति है, ये कमजोर शक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु शब्द जुड़ा हुआ है। गुरु ही सब कुछ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, कहा ना गुरु ही सब कुछ है। गुरु अन्य समझो सब जगह मिलते हैं, और गुरु बिन भाव जिस तरह बगैर गुरु के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है, भाव सागर पार कर ही नहीं सकता है, कोई भी लोक में आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु की जरूरत सब जगह पर है, इसलिए गुरु की जरूरत जब सब लोकों में है, तो गुरु नाम में ज्यादा ताकत है, गुरु नाम में ज्यादा शक्ति है। लेकिन वो शक्ति आप ये समझो कि ये जो गुरु नाम की शक्ति, यहाँ के मुंह से बोलने वाले जय गुरु नाम की जो ये शक्ति है, ये मदद तो करेगी, क्योंकि जब इसको बोलेंगे तो गुरु अन्य सुनेंगे, गुरु मिलेंगे, किसी न किसी रूप में अन्य गुरु को याद किया जाए, तो समझो कि गुरु देखते हैं और बोलते हैं और मदद करते हैं। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम जो है, ये खींच करके नहीं ले जा सकता है वहाँ कैसे, ये भी बता दें आपको। ये सब बूंद कहाँ से गिरती है, ऊपर से गिरती है, और वो बूंद जब गिरती है, पानी की बूंद हो तो स्वच्छ रहती है, साफ रहती है, निर्मल रहती है, लेकिन जब वो जमीन पर आकर के गिर जाती है तो उसमें कीचड़ हो जाता है, कीचड़ बन जाती है, फिर वो बूंद की वो बात नहीं रहती, पवित्रता नहीं रहती है। लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ पानी को भी जरूरत पड़ने पर आदमी इस्तेमाल कर लेता है,
नहीं पीने के काम आया तो कम से कम लेटरिन पेशाब धोने के काम में ले आता है, कोई ना कोई काम में उसको लिया जा सकता है। लेकिन अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी वो ये वो कहो कि वो सब गुण में उतनी शक्ति या ताकत आ जाए तो वो नहीं हो सकता। नाम ये जय बुझो यानी समझो ये मत सोचना कोई कि ताकतवर नहीं है, गुरु का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ तो कोई आलोचना वाली बात ही नहीं है। नहीं तो अभी कल से आलोचना शुरू हो जाएगी कि जय गुरु पवित्र नाम को जिसको प्रभु का नाम गुरु महाराज बताते रहे उसको इस तरह का उदाहरण दे करके ये समझा रहे। एक उदाहरण दिया जाता है, उस तरह का बताया नहीं जाता कि यही चीज ये है। और आप इस बात को समझो कि ये जो पांच नाम है इसको जानना जरूरी है। यही पांच नाम के द्वारा यानी समझो कि बहुत सागर से पार हो सकते हैं। इन क्लेश से कष्टों से जो दुनिया का इंसान अन्य दुनिया के क्लेश को झेल रहा है इस क्लेश से मुक्ति पा सकता है इन नामों से। और अंदर में भी तकलीफें, नर्क कहाँ है, नर्क तो अंदर है। आप ये समझो अंदर अन्य सब कुछ है, और कौन से शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंदर में नर्क भी है, इसमें नर्क भी दिखाई पड़ेगा और स्वर्ग भी दिखाई पड़ेगा और देवी देवता भी दिखाई पड़ते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखाई पड़ते हैं और आनंद भी इसी में मिलता है, इसी में खुशबू भी मिलती है और इसमें इसी में आप ये समझो कि महानाज वेदवाणी भी मिलता है। ये मनुष्य शरीर में ही सब कुछ है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी इसका स्थान ऊपर है। ये जितने भी स्वर्ग भी ऊपर में है, वैकुंठ भी ऊपर में है। अब जो युक्ति गुरु बताते हैं उस युक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा, जो इस जीवात्मा का मोह इंद्रियों के घाट की तरफ है, मन का मोह इंद्रियों के घाट की तरफ है, इधर से जब घुमाते हैं तो वो जो दरवाजा है यही प्रकाश जब इसको मिल जाता है जीवात्मा को तो उसी प्रकाश में वो उसको देखती रहती है। जा तो नहीं सकती है बगैर गुरु के दया के, बगैर शब्द के पकड़ के जा नहीं सकती है। और शब्द जहाँ का मिल जाएगा वो शब्द वहीं तक का ले जाएगा, इसीलिए वो गुरु की जरूरत पड़ती है कि सतवा गुरु सत शब्द लगावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जहाँ से जीवात्मा आई है वहाँ पहुँचाने वाले गुरु की इसीलिए जरूरत पड़ती है। तो प्रेम नाम खींच के ले जाता है, तो वो नाम हमेशा से चला आ रहा है। कितने नाम हैं, पांच नाम, पांच नाम। अब ये नाम क्या वहाँ से उतारा गया, जब खाली शब्द ही उतरा तब ये समझो कि पांच नाम ये नहीं, आवाज उस समय नहीं आई, केवल शब्द की आवाज आई। लेकिन ये जो लोक बने, आप जो पुराने सत्संगी हो ध्यान दो, जब ये सृष्टि की रचना हुई, संसार दुनिया की रचना हुई, जब ये आप ये समझो लिंग लोक सूक्ष्म लोक कारण लोक की रचना हुई, जब भंवर गुफा की रचना हुई और आपके समझो रश्मा द्वार की जब ये रचना हुई तो आप ये समझो कि वो लोक बन गए, स्थान बन गए। तो उधर से जब ये आवाज एक दूसरे लोक से नीचे आई तो ये बदलती चली गई। जैसे देखो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाओ तो भाषा बदल जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी देखो बिहार के लोग भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग बोलते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी बोलते हैं और हरियाणा के लोग भी बोलते हैं, लेकिन टोन अलग अलग होता है, बोलने का टोन अलग होता है, कहने का ढंग अलग होता है। बातों से ही पता चल जाता है कि किस प्रदेश से हो। मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ एक मंदिर था, मंदिर में सत्संग चल रहा था तो
वहाँ पर लोग पहले से कुछ बैठ गए थे। दो आदमी आए लंबे तिरंगे बड़े अच्छे पर्सनालिटी वाले, वो भी वहीं बैठ गए। सुना सत्संग उन्होंने, सत्संग जब खत्म हुआ तो ठंडी बहुत थी, यहाँ के हिसाब से तो बरसात का महीना था लेकिन वहाँ बहुत ठंडी थी। वहाँ हीटर चलते हुए भी उसने, लेकिन बड़ी छठरंग थी। तो मैं तो जल्दी से जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तैसे गया गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने कहा भैया हीटर चलाओ जिला सा गर्म हो जाए। तो जब खत्म हो गया सत्संग, पर्चा वगैरह नामदान का बट गया, ले लिया उन्होंने, तब जो है वो हमारे पास आए और बोले कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई देखो हमको ठंडी बहुत लग रही है और समय भी ज़्यादा हो गया है, और वहाँ पर जो है समय का भी अंतर था। आप समझो तो जब वहाँ दिन दिन रहे तो यहाँ के हिसाब से रात हो जाती थी, तो रात को दो ढाई बजे तो नींद आ जाती थी, तो ढाई बजे तो नींद आएगी, तो दिन में भी नींद। अमेरिका में तो बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ तो रात भर जगना पड़ता है और दिन में फिर नींद आती है, दिन में जल्दी सत्संग नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है। दो चार दिन छः दिन तो सेट होने में लगता है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भाई कल आप अगर समय निकाल लो जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ आ जाओ। बोले ठीक है आ जाऊँगा। अब वो समय से, ठीक समय से दोनों प्राणी वहाँ आए बैठे। तो उनके कुछ सवाल थे, उनकी कुछ बातें थी, उन्होंने रखा, हमने उनको बताया। तो उन्होंने खुद ऐसे ही कहा कि आपकी बातों को मैंने सुना, हमको अच्छा लगा और बातों के हिसाब से तो मैं आना ही चाहता था, लेकिन आपकी जो बोली थी, यह बोली जो आपकी है वो हमारे भाई साहब से मिलती हुई बोली। हमने कहा कौन भाई साहब? बोले हमारे भाई यहाँ आए थे तो वो भी आपकी तरह से ऐसे बोलते थे। तो हमने कहा कि भाई आपका घर कहाँ है? बोले हमारा घर बस्ती में है, बस्ती उत्तर प्रदेश, और बस्ती और गोंडा का बॉर्डर है, और मैं भी वहीं गोंडा जिला में, आपको बलरामपुर जिला हो गया, वो वहीं पैदा हुआ था तो वहीं की बोली बनी थी। तो बोले हमारा, मैं तो बहुत छोटा था तभी यहाँ चला आया था और फिर यहीं का नागरिक हो गया, यहीं पर नौकरी चाकरी किया और यहीं पर रहता हूँ। तो हमारे भाई कुछ समय पहले आए थे, वो तो वो भी ऐसे बोलते थे, मैं तो सब भूल भाल गया जो बोलता था। उनकी भाषा जब मैंने सुना तब आपके समझो कि मेरे अंदर इच्छा हुई कि हो सकता है ये हमारे उधर के हों, बस्ती के हों, यूपी के हों, भारत से तो आए ही हैं, बोली हिंदी है इनकी, तो मैं चलाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवाज़ बदलती चली जाती है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। ऐसे ही इन देशों से, उन देशों से, ऊपरी देशों से वो जो शब्द उतरा नीचे की तरफ, वो नाम में बदल गया है। तो इस समय पर पांच नाम प्रमुख रूप से, पांच नाम का सुमिरन करे, संत कहें सब भवसे करे। यह जो भवसागर में पड़े हुए हो, डूब रहे हो, उतरा रहे हो, डूबना उतराना किसको कहते हैं, कभी तो बहुत तेज हंसी आती है, ठट्ठा के हंसते हैं और उसी में घर में कोई बोल दिया, कोई कड़क बात बोल दिया, उसी में गुस्सा आ जाता है, मारपीट भी होने लग जाती है, घर छोड़ करके भाग जाते हैं। ये क्या है, ये अखाड़ा है, अखाड़ा जैसे उलट पटक करता है पहलवान, पटकता है खुद चित हो जाता है, फिर चढ़ बैठता है ऊपर से चित करता है, ये अखाड़ेबाजी हो रही है जो। ये क्या है, ये मृतलोक है, ये भवसागर है, इसी में हंसते, इसी में रोते, इसी में आपके समझो रोज दौड़ करके जाते हैं कमाने के लिए, रोज खाते हैं, रोज लैट्रिन पे साफ करते हैं, ऐसी व्यवस्था बना दिया उसने कि इससे निकल ना पाओ, बंद हो जाओ इसी में, जन्म ही तुम्हारा ना हो पावे, जन्माष्टमी कितनी भी मना लो लेकिन जीवात्मा तुम्हारी फंसी ही रहे, बंद ही रहे, इसका जन्म न हो पावे, ये इससे निकल न पावे। तो इससे निकलने का रास्ता कौन बताता है? गुरु बताते हैं। जब गुरु में जाते हैं, नाम बता देते हैं, नाम की डोर को पकड़ा देते हैं, तब जीव भवसागर से तो पार होता ही होता है।
जितने भी अंदर में सागर हैं, समुद्र है, जितने भी सरोवर हैं, सब से पार हो जाता है। जैसे मैंने बताया, गुरु बांह पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं, वो चाहे चू करो चाहे मुंह करो, वो तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। देखो कैसे खींच करके ले आते हैं, कोई मेरे नाम पर आते हो, गुरु के नाम पर आते हो, गुरु महाराज के नाम पर आते हो। जय गुरु जो नाम जो उन्होंने जगाया था, वक्त का नाम है, उस नाम पर आ पाते हो। जय गुरु जो के नाम पर आते हो आप, तो गुरु खींच कर ले आते हैं। अब अगर आते जाते रहोगे, सत्संगों में आते जाते रहोगे तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सा सूत्र मिल जाएगा कि जिससे ये जीवन का रास्ता कट जाए। कैसे सूत्र मिल जाता है आपको बताऊं? जैसे यही लड़ाई झगड़ा घरों में होता है, अब एक को गुस्सा आवे, गुस्से में ही तो होता लड़ाई झगड़ा, एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा नहीं होगा। अब इसमें जो सास और बहू लड़ती हैं, सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। कोई कोई सास का स्वभाव बड़ा कड़ा होता है और कोई कोई बहू का स्वभाव कड़ा होता है। अब लो कोई स्वभाव में छोटो, जल्दी स्वभाव नहीं छोड़ता है। आपको बताया कि ये सब योनियां हैं और योनियों में जाना पड़ता है। अब मान लो कोई भैंसा योनि का यानी व्यू है और आदमी बन गया, जैसे भैंसा गुर्राता सींग मारता हुआ चलता है, ऐसे आदमी भी चलेगा ऐंठता हुआ। नहीं कुछ है तो पत्थर में भी ठोकर मारता हुआ चलता है। तो अब आपके समझो स्वभाव जल्दी नहीं छोड़ता। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और औरत बन गई, आ गई दया हो गई, संत की दया हो जाती है। आ गया संतों की दया जब हो जाती है, बाकी मच्छर छू जाते हैं उनसे, तो भी मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाते हैं। गाय के ऊपर बकरी के ऊपर दया हो गई, दूध पी लिया और दया हो गई तो सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। जबकि ये नियम है कि मनुष्य शरीर ऐसे जड़ों को, जड़ को नहीं मिलता है, ऐसे चेतन को नहीं मिलता। गाय और बैल की योनि के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन पेड़ के ऊपर रहा कर रहे, मान लो कोई पेड़ का फल खा लिया, बहुत पसंद आ गया, नजर पड़ गई, देखो कितना बढ़िया फल दे दिया, दया हो गई तो मनुष्य शरीर नहीं जाता है। लेकिन वही स्वभाव नहीं छोड़ता है जल्दी, जड़ता उसकी नहीं जाती है। जड़ता किसको कहते हैं कि जैसे एक जगह पर यानी पेड़ रहता है, अपने आप दूसरी जगह नहीं जा सकता तो वो जड़ कहलाता है। ऐसे बहुत से बच्चे पैदा हो गए, वो मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन उनको भैया जरा पानी पिला दो, जरा सा चले जाओ, साग सब्जी ले आओ, चलो ये काम बिगड़ रहा है इसको कर लो, बैठा है कुछ नहीं सुनेगा। तो कहते हैं ना कि जड़ हो गया ये, जड़ता जड़ता उसको कहते हैं। तो जड़ता जल्दी नहीं जाती है। ऐसे मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, जैसे बकरी में चिल्लाती रहती है, क्या औरत भी दिन भर बोलती रही, हवा से लड़ेगी हवा से, अब चाहे सास हो चाहे बहू हो, तो वो तो लड़ती लड़ती हैं, उनका स्वभाव ही होता है। और आजकल अगर समझो कि देखो तो सास और बहू तो एक दूसरे दुश्मन बन रही, इसी में मैं बता दूं, आप लोग जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी बैठे हुए हो, चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा कि लड़ती ही लड़ती है, लड़ती ही हो, चाहे कोई सास बैठी हो चाहे बहू बैठी हो। अब अगर किसी का स्वभाव ही ऐसा बन गया, लेकिन सत्संग में ये बात जो बताई जाती है कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो आप चुप हो जाओ। पानी जैसे आग होती है तो आग के ऊपर पानी डाल दो तो आग बुझ जाए। किसी को क्रोध आया, क्रोध की अग्नि जली और चुप हो गए, या प्रेम से उससे बोल दिया, या जिस लिए गुस्सा हो रहा है उसके लिए हाथ जोड़ दिया और पैर छोड़ दिया,
तो समझ लो कि जैसे दूध उबल रहा हो, उसके ऊपर दो बूंद चार बूंद आप ठंडा पानी डाल दो तो नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही उसका पारा गुस्से का डाउन हो जाता है। लेकिन इससे भी अगर ना बने बात तो सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं होता है। किसी को घर में गुस्सा आ जाए और जिसके ऊपर आवे वही बैठ जाओ कान में उंगली लगा करके, अब जिसको नहीं मालूम है भजन करना वो क्या कान में उंगली लगाएगा, वो तो भजन करना जिनको मालूम है कि भाई बाहर की आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर में आवाज पकड़ना चाहिए, वो तो बाहर से बंद करेगा। और जिसको कह दो जिसको नहीं मालूम है भजन करना कि तुम कान में उंगली लगा के बैठ जाना, तो कान में भी उंगली लगाए रहेगा, धीरे 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 उंगली से सुनता भी रहेगा क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। और जब आप ये समझो कि समय पूरा हो जाएगा, मान लो यह भी कह दिया जाए उससे कि तुम आधा घंटा बैठ जाना, आधा घंटा में तो आदमी बोल करके थक जाएगा, हाथ पैर पटक करके थक जाएगा, पानी पिलाओगे तो हाथ से जल्दी पानी नहीं पी पाएगा, इतना हाथ पटकेगा, इतना गुस्सा करेगा। तो जब वो समझो शांत हो जाए तब तुम अन्य समझो कान से उंगली निकाल दे, लेकिन अंदर अंदर वो बात को रख लेगा वो, क्योंकि बातों का जो घाव होता है वो जल्दी भरता नहीं। किसी को लठ मार दो, किसी को तीर तलवार से मार दो, घाव बन जाए तो वो घाव को दवा से भर जाता है। छोटे बच्चों को घाव हो जाता कोई दवा भी न लगाओ तो उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि उससे वो भर जाता। कुत्ते के घाव लग गया न इलाज कराओ उसका, कुछ न करो तो चाट चाट करके उसको ठीक कर लेता है, लेकिन ये बातों का जो घाव होता है नहीं भरता है तब कसर काटेगा। इसलिए ये जरूरी होता है जानकारी करना। अब यह सत्संगों में जो लोग आप आते रहते हो उनको लगभग हर सत्संग में नाम दान दिया जाता है और भजन करना बताया जाता है, जब गुस्सा आ जाए तो भजन करो। अब ये क्या है, ये एक युक्ति है, ये एक उपाय है, आते जाने से यह रास्ता जीवन का कट जाता है। और कैसा कटता है, यह सुखमय कटता है दुखमय नहीं कटता है। देखो रात कटती है आदमी की, आराम से सोया तो रात कट गई, रात निकल गई, लेकिन दर्द हो गया सिर में पेट में दर्द हो गया तो रात उसकी भी बीतेगी लेकिन तकलीफ में बीतेगी। तो क्यों ना सुखी जीवन बनाया जाए। सुखी जीवन बनाने के लिए अनि समझो कि आते जाते रहना चाहिए। हमेशा से सुखी हो जाने के लिए दुख के इस संसार में आना ही न पड़े उसके लिए नाम की डोर को पकड़ लेना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन अन्य समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% अन्य 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600055
7000। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।